आसंत सुनिबा आउ एक कहानी साधुतार पुरस्कार परिवेषण शिवाशीष महंती। कथाटी अति पुरुणा। सिंगापुर रे इंग्रज डाक्तर मिशेल ब्राउन चिकित्सा क्षेत्र में भल ना कमाइले। गोटे बड़ क्लीनिंग थिला। से एकुटिया रहुथिले किंतु केते गुड़िए पशु पालिथिले। से मानकु निज पिला परी आदर करुथिले। खाइबा पीबा रहिबा सोइबा दि भल भाव देखाशुना करुथिले। तांकर अवसर समय एमानक पालन पोषण रे अतिवाहित होउथिला। मीग बोली गोटे 14 वर्षर बालक तांको पाखकु आसे। तांको पोषाक पत्र सफा करिबा सह स्त्री करिबा मीग्र काम थिला। से प्रतिदिन आसी पोषाक पत्र नै जाय आउ सफा करि स्त्री दे जाए। दिने रास्तार जीवा बेले तार एक्सीडेंट हेला। से तुरंत डाक्तर मिशेल को पाखकु आसिला। डाक्तर तार क्षत स्थान मानकरे मलम लगाई बैंडेज करि देले एवं औषध खाइबाकु देले। गला बेलकु किछि पोषाक पत्र सफा ओ स्त्री करिबाकु देथिले। दुर्भाग्यवशतः दुई दिन परे जापान सिंगापुर को अधिकार करिनले। अन्य मानक सह मेग मध्य जेल गला। जापानी सैन्य माने मध्य डाक्टर ब्राउन को बंदी करी नेले एवं जेल रे रखिले। 3 वर्ष परे इंग्रेज माने पुनः सिंगापुर को कब्जा करी नेले। जापानी मानक द्वारा बंदी थिबा समस्त लोकंकु मुक्ति मिलेगला। डाक्टर ब्राउन एवं मीग मध्य जेल रु मुक्ति पाइले। मीग घरे पहुंची प्रथमे डाक्टर ब्राउन को पोषाक पत्र सफा कला एवं स्त्री कला। सेगुड़ी को गंठिली रे रखी डाक्टर ब्राउन को घर को गला। गंठिली टी को टेबल ऊपर रखिदेला। डाक्टर ब्राउन पचारे ए गंठिली रे कौन अच्छी मीग। मीग विनय हो कहला सार आपण देइथिबा पोषाक मु आपणक ठारु सफा करिबाकु नैथिली किंतु जापानी को द्वारा बंदी होई जेल रे रहिली। सेथिपई ठीक समय आपणक जिनिस देइ पारिली नाही। एहा हेउची आपणक पोषाक। मते क्षमा करिदेबो मु 2 दिन हेब जेल रु मुक्ति पाइछि। मीग्र साधुतार देखि डाक्तर ब्राउन आश्चर्य होइगले। एमिति भी दुनिया रे सचोट लोक अछन्ती। डाक्तर ब्राउन कहिले हे मोर पुत्र मु मध्य काली घर को फेरिछि। जेल रे थिली। जेल रे पाइथिबा कष्ट एही मुहूर्त रे भूली जाउछि। तुमर साधुता देखि मीग तुमे वर्तमान अनाथ नुहे। आज ठारु तुमे मो सह एइठी ही रहिबो। तुमको आउ कपड़ा इत्यादि सफा करिबाकु पड़िबो नाही। काली ठारु स्कूल जीव पाठपढ़ा आरंभ कर। तुमर समस्त दायित्व मु बहन करी। एहा हेउछि तुम साधुतार पुरस्कार। वास्तव में सचोट व्यक्ति को भगवान कौनसी ना कौनसी उपाय रे सहाय्य करते।